अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इनका दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन्स मॉडिफाई किए जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन एंड एक्सप्रेस one or more foreign genes, genetically modified organisms contain, उनको हम adjust करते हैं, insert करते हैं, जब हम किसी organism में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन इंट्रोड्यूस करते हैं और वो एक्सप्रेस भी करेगा वो जीन, यानी कि वो जीन जिसके लिए होगा वो प्रॉपर्टी भी डेवलप करेगा, वो भी प्रोड्यूस करेगा, वो क्वालिटी भी, वो यूनिकनेस दिखाएगा, वो कैरेक्टर भी दिखाएगा जिसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ییم سات دمس آرگنزمس مز انٹروڈیوس آسو جین کر پتہ آپ جین ہیکن ایکسپریس گھت اتنا ونان یہ گو جینٹکلی ماڈیفائڈ آرگنزم تیل کیا گو جینٹکلی ماڈیفائڈ آرگنزم دوز آرگنزمز وچ کنٹین اینڈ ایکسپریس ون آر مور فارن جینس آلسو کالڈ ایز ٹرانسجینک آرگنزمز ان کا دوسرا نام ہے ٹرانسجینک آرگنزم بیٹا اس میں آتے ہیں ہمیں بوتھ پلانٹس ہو یا اینیملز ہو ہمیں بہت سارے ٹرانسجینک آرگینزمز اویلیبل ہیں یا بنائے گئے ہیں ٹرانسجینک پلانٹس ٹرانسجینک پلانٹس एग्जाम्पल है बेटा, यूनिक एग्जाम्पल बीटी कॉटन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है किसकी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बेटा बीटी कॉटन इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्रॉप जो वर्ल्ड में बनाया गया था वो टबैको है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड इज अ टबैको, एंड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ इंडिया जो इंडिया का है वो है कॉटन। वो क्या है, कॉटन। शाबाश। बीटी कॉटन क्या है, आपने बेटा सुना होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरियन जेनेंसिस। एक बैक्टीरिया है बेटा, इसमें हमने पढ़ा था इसके अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है थ्यूरियोसाइट एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है। द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थ्यूरियोसाइट, इस थ्यूरियोसाइट के लिए कोई जीन होगा। The gene responsible for this thuriocyte has been isolated and introduced into cotton. इसको isolate किया गया और किस में introduce किया गया, cotton में। तो cotton क्या करता है, ये naturally control करता है insect pests। अब naturally insect pests control करता है, हमें यहाँ pesticide के spray की कोई जरूरत नहीं होती है, हम spray नहीं कर सकते क्योंकि इसमें naturally एक toxic gene introduce किया गया है। तो ये नेचुरली कंट्रोल करता है इंसेक्ट पेस्ट्स, दैट इज बीटी कॉटन। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बेटा सेकंड है प्रोड्यूस अ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड एग्जांपल है प्रोड्यूस अ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। Produce a protein of interest. Hirudin एक protein है। Hirudin is a protein which is present in leech. एक किस में है,
लीच में है ये प्रोटीन, हिरिडिन क्या है, हिरिडिन इज अ प्रोटीन, हिरिडिन बेटा प्रोटीन का नाम है, और ये प्रेजेंट है किसमें, लीच में ये प्रोटीन होता है, और इसकी फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स क्लोटिंग, क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है ये बेटा, कंट्रोल करता है, इट प्रिवेंट्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड, या ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है. हिरिडिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन लीच एंड इट कंट्रोल्स क्लोटिंग. अब बेटा क्या किया गया है, ये लीच जो है इसमें जो हिरिडिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन के लिए कोई जीन या जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, दिस जीन हैज बीन आइसोलेटेड, ये जीन को आइसोलेट किया गया है एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रैसिका नेपस, ब्रैसिका नेपस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, टर्निप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, टर्निप बेटा, जब इसको टर्निप में इंट्रोड्यूस किया गया, द सीड्स ऑफ लेटर, टर्निप के सीड जो है, टर्निप के सीड्स क्या करते हैं, उन्होंने एक्युमुलेट किया इस मेडिसिन को, उन्होंने एक्युमुलेट किया इस केमिकल को, किसको, हिरिडिन को, उन्होंने भी, उनके सीड्स में हिरिडिन होता है. अब हिरिडिन जो प्रोटीन है वो किस में था, लीच में, अब किस में है, ब्रैसिका के सीड्स में. एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, सिंथेसाइज्ड, कैन बी कलेक्टेड एंड कैन बी यूज्ड एज ए मेडिसिन, इसको हम कलेक्ट करते हैं और एज मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं. शाबाश, जीन हमने आइसोलेट किया किससे, लीच से इंट्रोड्यूस किया किसमें, टर्निप में, अब हम टर्निप जो है उससे मेडिसिन हासिल करते हैं. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है. शाबाश बेटा, ऐसे ही हमें फ्लेवर सेवर टोमेटो और एक एग्जांपल है बेटा, फ्लेवर सेवर टोमेटो टोमेटो जो है इसमें एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो. टोमेटो में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस बेटा. ये करता है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसी से सॉफ्टनिंग होती है, क्या होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है, इससे सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है बेटा. बाय डीएक्टिवेशन, यहां पे इनएक्टिवेट किया गया है इस जीन को, बाय इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग, राइपनिंग के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल था, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, इसका, इसके लिए जो जीन था, ये जीन को क्या किया गया है, इनएक्टिवेट किया गया है. इससे क्या हुआ, इससे हमने शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो इंक्रीज की. अब हम टोमेटो को बहुत टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. इसको हमने मॉडिफाई किया और हम इसको बहुत टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बेटा. ऐसे इससे क्या हुआ, इसे सॉल्युबल, इसमें टेस्ट इंक्रीज हुआ इससे, और सॉल्युबल सॉलिड भी इंक्रीज हुआ. यी इट ऑल इन 2001. ऐसे बेटा गोल्डन राइस, एक और एग्जांपल है बेटा गोल्डन राइस. बेटा जो राइस है हमारा, इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, एस्पेशली बेटा जो एशियन कंट्रीज में है वहां पे राइस इस्तेमाल किया जाता है. एंड राइस जो है इसमें विटामिन ए की कमी है, इट लैक्स विटामिन ए, इसमें विटामिन ए की कमी है. विटामिन ए इंपॉर्टेंट विटामिन है, ब्राइट आईज विटामिन भी कहा जाता है इसको, इसमें विटामिन की कमी है. स्विस स्वीडन के रिसर्चर्स ने क्या किया, स्विस रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस्ड जीन्स, क्या, टू जीन्स फ्रॉम डेफोडिल, जो डेफोडिल प्लांट है, डेफोडिल प्लांट से दो जीन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, किसमें, राइस में, और वन जीन फ्रॉम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से एक जीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसमें, इस राइस प्लांट में. यानी कि राइस प्लांट में दो जीन डेफोडिल से इंट्रोड्यूस किए गए,
डैफोडिल से लाए गए और इंट्रोड्यूस किए गए राइस में, और बैक्टीरिया से एक जीन लाया गया, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, राइस में, जिससे राइस जो है इट नाउ प्रोड्यूसेस बीटा कैरोटीन। ये अब क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए, इसी से वाइटामिन ए बनता है। यानी कि जो राइस था हमारा, इसमें वाइटामिन ए की कमी थी, और स्वीडन के रिसर्चर्स ने इसमें जीन्स इंट्रोड्यूस किए और ये अब खुद ही क्या बनाता है, वाइटामिन ए भी प्रोड्यूस करता है। बेटा ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की। बेटा जो यूएसए है, यूएसए में जो टमेटोज है उनमें पेनिसिलियम फंगस का जीन इंट्रोड्यूस किया गया है और वो एम्पिसिलिन प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर वहां पे बेटा एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक देना होता है वहां पे टमेटोज को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही बेटा जो वहां पे बैनानास दिए जाते हैं वो बैनानास वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी या बहुत सारे डिजीजेस जो है हम यहाँ पे वैक्सीन देते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैनानास बनाए हैं और इनको यूज करते हैं एज वैक्सीन। अब बेटा जो एनिमल्स में हम देखते हैं, इन केस ऑफ कैटल और जेनेटिकली मॉडिफाइड कैटल, शीप, गोट, काउ हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज मिल्क यील्ड। मिल्क यील्ड इंक्रीज करने के लिए उनमें क्या किया गया है, उनमें बेटा मॉडिफिकेशन की गई है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोफेरिन इन द मिल्क ऑफ काउ, ये इंक्रीज किया गया है, लैक्टोफेरिन इंक्रीज किया गया है, लैक्टोफेरिन इन द मिल्क ऑफ काउ। ऐसे ही बेटा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 इन द मिल्क ऑफ शीप, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 इन द मिल्क ऑफ शीप। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दीज बायोकेमिकल्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग, इसको मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग कहते हैं। बट ऐसे ही ह्यूमन जीन्स आर गिवन टू पिग्स, इंसान से जीन चीवन दिन पिग्सन, so that their different organs can produce human antigens, ताकि तिम हेकिन प्रोड्यूस करे, तीन organs करें प्रोड्यूस ह्यूमन antigens, लाइक तिम साथ तिम ह्यूमन antigens प्रोड्यूस करें, लाइक किडनी, पेनक्रियाज, हर्ट, दे कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू ह्यूमन्स। पाथ चीवन पिग्सन हिंद यम organs ट्रांसप्लांट करने ह्यूमन में, ह्यूमन में, वो ह्यूमन ही genes का भी सही दिन पिग्सन, ताकि तिम ती क्या बनाएं ह्यूमन antigens, ये तिमो ह्यूमन antigens बनाई تم پہ کیا تہند آرگن تم تھی پہ کر فنکشن یہ پہ ہیومن ہند آرگنس کر فنکشن تاکہ ٹرانسپلانٹ یعنی تم کر پکسن ہند آرگنس یا ٹرانسپلانٹ کرمن مز ہیومن مز ہوپ دیٹ یو ہیو گاٹ دس اوکے تھینکس